हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है और यह सर्किट डायग्राम दोस्तों TDA 11105 PS N23AE7 सिस्टम IC का सर्किट डायग्राम है और यह सिस्टम IC दोस्तों CRT TV का सर्किट डायग्राम है। CRT TV में यह सर्किट डायग्राम लगता है और दोस्तों यह IC हर कंपनी लगाता है। जैसे मान लीजिए T-सीरीज, LG, वीडियोकॉन, बेस्टॉन, चाइना में भी यह सर्किट डायग्राम आता है, यह IC वाला सेट आता है दोस्तों, और कंपनी के भी TV में इस IC का बोर्ड दोस्तों आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको इसी IC के विषय में बताएंगे और यह दोस्तों TDA 11105 IC है और यह दोस्तों बहुत ही अच्छा IC है और इसका सर्किट बोर्ड भी दोस्तों बहुत अच्छा आता है और यह कलर TV का सर्किट डायग्राम बोर्ड है। तो दोस्तों आज इसके विषय में सारा डिटेल रूप से आपको अच्छी तरह बताएंगे और फोल्ड के भी विषय में बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग से सब्सक्राइब लिखे हुए को टच कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें। दोस्तों 11105 सिस्टम IC के विषय में हमें बहुत से कमेंट आए हैं कि हमें एक सर्किट डायग्राम के जरिए हमको अच्छी तरह समझाइए। तो ठीक है, तो दोस्तों आज हम आपको अच्छी तरह समझा देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे इसका जो ये लाल रंग से देख रहे हैं दोस्तों, यह IC का पिन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, और दोस्तों इसमें हम मुख्य कुछ सर्किट बनाए हैं, शॉर्ट में सर्किट बनाए हैं। तो ये IC का पिन नंबर है और यह IC का कौन सा पिन पर कितना वोल्टेज है यह ब्लू से लिखा हुआ है और कौन पिन कौन काम करता है दोस्तों, यह भी डिटेल रूप से हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो जो मुख्य पिन का अभी तत्काल जरूरत है सेम हम उसी का अभी आपको सर्किट दिखाए हैं जो अभी के डेट में सबसे ज्यादा चालू है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप सर्किट डायग्राम डिटेल रूप से अच्छी तरह दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों चाइना CRT TV सर्किट डायग्राम TDA 11105 PS IC। तो देखिए दोस्तों इस IC के विषय में हर पिन का डिटेल और वोल्टेज। चलिए दोस्तों आप अच्छी तरह देख लिए हैं, तो अब चलिए आपको बताते हैं। तो एक नंबर पिन और दो नंबर पिन पर दोस्तों 5 वोल्ट और तीन नंबर पिन पर 5 वोल्ट से 8 वोल्ट की सप्लाई रहता है दोस्तों, और यह सप्लाई दोस्तों पावर सप्लाई रेगुलेटेड सर्किट से दोस्तों इसका सप्लाई आता है। आप दोस्तों बताते हैं इस IC का सप्लाई पिन दोस्तों, देखिए इस IC का दोस्तों सप्लाई पिन है 54 नंबर। 54 नंबर पर सप्लाई आता है और दोस्तों 54 नंबर के बाद एक दोस्तों 22 नंबर पिन IC का सप्लाई पिन है दोस्तों। यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई आता है, यह 54 नंबर पर और 22 नंबर पर। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह दोस्तों अर्थ का सिंबल है, यह जगह जगह अर्थ है और यह दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, यह PF है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यह क्वाइल है, तो यह क्वाइल का सिंबल है दोस्तों। और आगे दोस्तों यह डायोड है, यह दोस्तों हमारा जेनर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यह ट्रांजिस्टर है, फिर यहाँ पर 3 गो ट्रांजिस्टर है। यह देखिए दोस्तों हमारा मेमोरी IC है और यहाँ पर यह पैनल बटन है, की बटन। ठीक है, तो दोस्तों यह देखिए आप हमारा जो AV का इनपुट पिन है जो DTS से हम कनेक्ट करते हैं, तो IC के किस पिन पर दोस्तों पहले आता है तो वह देखिए दोस्तों, तो वीडियो सिग्नल दोस्तों 62 नंबर पर आता है। DTS से जब कनेक्ट करते हैं तो वह वीडियो सिग्नल 62 नंबर पिन पर आता है और दोस्तों ऑडियो का जो सिग्नल है आवाज़ का वह दोस्तों 63 नंबर पे आता है और 61 नंबर पे आता है। तो दोस्तों किसी इस सर्किट में दोस्तों यह दोनों पे आता है, तो इस सर्किट में दोस्तों हम 63 नंबर पिन से बनाए हैं, तो किसी किसी में दोनों पिन से दोस्तों इनपुट लिए हुए रहता है।
तो यह दोस्तों इनपुट ऑडियो का इनपुट 63 नंबर पिन और 61 नंबर पिन। आप दोस्तों आगे बढ़िए, ये देखिए दोस्तों अब यहाँ से आउटपुट का सिग्नल देखिए। तो ये देखिए दोस्तों हम 58 नंबर पिन से ऑडियो सिग्नल आउट करता है और 59 नंबर पिन से, तो 59 नंबर पिन से लेफ्ट और 58 नंबर पिन से राइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोस्तों होगा, ये देखिए 63 नंबर लेफ्ट और 61 नंबर राइट। तो ये दोस्तों हमारा आउटपुट सिग्नल है और यही जब सिग्नल आउट होगा तो यह साउंड सेक्शन को चला जाएगा और साउंड सेक्शन के जरिए दोस्तों आईसी से इन्वर्ट होकर और स्पीकर के जरिए हमारा आवाज़ आएगा। तो दोस्तों एक सर्किट जब हम इस बोर्ड का सर्किट बना रहे थे तो उसमें दोस्तों 58 नंबर पिन से आउट किया था और 63 नंबर पिन से इनपुट लिया था। तो हुआ था क्या दोस्तों, उसका जो है पिन 58 नंबर पिन आईसी का ख़राब हो गया था, जिसके जरिए दोस्तों आवाज़ नहीं आ रहा था उस टीवी में और पिक्चर आ रहा था। तो दोस्तों उसको हम 59 नंबर पिन से डायरेक्ट जोड़ दिए थे तो आवाज़ हमारा क्लियर हो गया था। और दोस्तों इस साउंड वाला प्रॉब्लम का हम एक वीडियो भी बनाए थे, तो दोस्तों यह वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिए कि बिना आईसी बदले हम कैसे ठीक कर लिए थे, ठीक है। आवाज़ हमारा क्लियर हो गया था। आप दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो आप 57 नंबर पिन देख रहे हैं दोस्तों, यह दोस्तों AFC का पिन है या हॉरिजॉन्टल सेक्शन से EST के पिन से आउट होकर दोस्तों आता है और AFC कनेक्ट होता है। तो AFC में अगर आपका फॉल्ट आएगा तो टीवी की स्क्रीन पर बीच में या साइड में ऊपर से नीचे काला खारा पट्टी आता है 1 से 1.5 इंची में। तो दोस्तों यह खराबी इसी से आता है। तो यहाँ पर जेनर डायोड लगे हुए हैं, यह खराब है, या यहाँ पर देखिए 22 के PF लगा हुआ है दोस्तों, यह भी खराब हो सकता है, या यह रेजिस्टेंस कटा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो जब आपके टीवी की स्क्रीन पर खराब पट्टी दिखाई दे काला, तो दोस्तों आप डायरेक्ट AFC के प्रॉब्लम को चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों आगे देखिए, यहाँ से देखिए दोस्तों पिन नंबर 56, तो पिन नंबर 56 से दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट सिग्नल आउट हुआ है और यह दोस्तों हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन को जाता है। ड्राइवर ट्रांसफार्मर के पीछे जो ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं वहाँ पर यह सिग्नल जाता है और दोस्तों वहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर को चालू करता है, तब दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में यह सिग्नल जाता है तो हमारा EST दोस्तों चालू होता है, ठीक है। तो यह दोस्तों हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट सिग्नल है और यहाँ पर दोस्तों तकरीबन 0.70 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट से भी कम या किसी किसी में 1 वोल्ट दोस्तों आता है। और दोस्तों ये 55 नंबर पिन ग्राउंड है और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 54 नंबर तो आपको सप्लाई पिन बताए थे। आप दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो RGB का जो कनेक्शन निकलता है 44, 45 और 46 नंबर पिन से RGB का कनेक्शन निकलता है, इसी को दोस्तों वीडियो सिग्नल का आउटपुट वीडियो सिग्नल कहते हैं दोस्तों। तो यह ब्लू, ग्रीन और रेड, यही सिग्नल दोस्तों आउट होता है और यहाँ से दोस्तों 3 गो ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं। किसी किसी में दोस्तों किसी सर्किट में 23-30 ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं और किसी में दोस्तों 18-15 ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और यह दोस्तों यहाँ पर मेंशन कर और दोस्तों यह सिग्नल आगे बढ़ता है और RGB वीडियो सिग्नल को जाता है। और यहाँ पर दोस्तों 47 नंबर ब्लैक एंड वाइट सिग्नल है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 1 किलो का रेजिस्टेंस लगे हुए रहता है। तो आप यहाँ तक ले आप समझ गए। ये देखिए दोस्तों अब इस पिन के विषय में, यहाँ पर देखिए दोस्तों 39 नंबर पिन से सेंसर लगे हुए हैं रिमोट को कंट्रोल करने के लिए, रिमोट से कंट्रोल करने के लिए यह सेंसर है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका TV स्टैंड बाई में है, तो जब हमारा TV स्टैंड बाई में चला जाएगा तब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा यह फॉल्ट IC से है। तो दोस्तों TV अधिकतर स्टैंड बाई में जब होता है तो हमारा खराबी निकलता है हॉरिजॉन्टल सेक्शन में या पावर सप्लाई में, और हॉरिजॉन्टल सेक्शन में 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, एक हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर और एक हॉरिजॉन्टल आउटपुट, इसी के जरिए दोस्तों हमारा TV स्टैंड बाई में होता है। और दोस्तों कभी कदाल यह प्रॉब्लम IC से भी आ जाता है। तो IC के प्रॉब्लम के लिए हम दोस्तों डिटेल रूप से बता रहे हैं आपको कि जब आपका TV स्टैंड बाई में हो जाए, चला जाए, तो पावर बटन जो आप देख रहे हैं यह 37 नंबर पिन पर, यह 37 नंबर IC का 37 नंबर पिन पावर बटन है
और दोस्तों यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर दोस्तों होता है, हम एक ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाए हैं लेकिन होता है दो, और यह दोनों ट्रांजिस्टर का नंबर होता है दोस्तों C102, ठीक है, C102 करके यह ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पर जो आप ब्लू से देख रहे हैं यह ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखा हुआ है, और दोस्तों इसमें हम PCB का नंबर नहीं लिखे हैं क्योंकि हर बोर्ड में अलग अलग PCB आएगा दोस्तों, और कुछ दोस्तों आपको वैल्यू में भी डिफरेंस मिलेगा। तो हम यह चाइना से बनाए हैं, चाइना सर्किट डायग्राम से बनाए हैं दोस्तों, तो आपको बाद में इसका डायग्राम भी आपको की बुक में दिखा देंगे। तो दोस्तों यही है ट्रांजिस्टर। तो मान लीजिए कि आपका TV स्टैंड बाई में है, TV हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल दीजिए, और निकालने के बाद दोस्तों TV को स्टार्ट कीजिए, सप्लाई दीजिए। तो अगर TV आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, अगर आपका TV ऑन हो जाता है तो करना यह है दोस्तों कि इसे ट्रांजिस्टर को नॉर्मल मोड में कर देना है, ठीक है, और पिन नंबर 37 पर मीटर का प्रोड रखना है, और आपको रिमोट से पावर बटन ऑन ऑफ करना है। तो जब ऑन ऑफ कीजिएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो वोल्टेज होगी इस वोल्टेज में परिवर्तन होगा। तो अगर दोस्तों आपका वोल्टेज में परिवर्तन होता है तो हमारा जो खराबी है इस ट्रांजिस्टर में है, यह ट्रांजिस्टर को नया लगा दीजिएगा, यहाँ पर दो थो ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, यह ट्रांजिस्टर ठीक हो जाएगा। अगर दोस्तों वोल्टेज में परिवर्तन नहीं होता है तो दोस्तों हमारा खराबी IC में है, ठीक है। अगर मान लीजिए दोस्तों कि यह आपका ट्रांजिस्टर सही है, 102 ट्रांजिस्टर सही है, और इसको दोस्तों ओपन करने पर भी सेट ऑन नहीं होता है, तो आपका TV और दोस्तों TV हमारा स्टैंड बाई में रहता है, तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक और 102 ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं पार्लर में दोस्तों, वह भी खराब हो सकता है, उसको चेक कीजिए। अगर दोस्तों वह सब सही है और यहाँ भी सही है, और फिर भी IC भी हमारा सही है, और फिर भी दोस्तों TV हमारा स्टैंड बाई में है, तो उस स्थिति में दोस्तों आप हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर सेक्शन को चेक कीजिए या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चेक कीजिए। यह दोस्तों हॉरिजॉन्टल से होता है और पावर सप्लाई से होता है, आप जाकर वहाँ चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि दोस्तों इस ट्रांजिस्टर को ओपन करने पर या शॉर्ट करने पर हमारा TV स्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है, और TV के स्क्रीन पर कोई भी फंक्शन नहीं आता है, तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों आप IC के 33 नंबर पिन और 40 नंबर पिन पर दोस्तों यहाँ पर 3.3 वोल्ट चेक कीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 3.3 वोल्ट पहुँच रहा है तो ठीक है, अन्यथा यह अगर नहीं पहुँच रहा है तो दोस्तों आप रेगुलेटेड सर्किट में आप चले जाइए, पावर सप्लाई पावर सेक्शन के रेगुलेटेड सर्किट में, और दोस्तों वहाँ से 3.3 वोल्ट का कनेक्शन निकलता है, आप वहाँ पर जाकर दोस्तों चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों हमारा सप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो आप 22 नंबर पिन पर जो देख रहे हैं, यहाँ 22 नंबर पिन पर 5 वोल्ट के लिए चेक कीजिए, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहा होगा, तो आपका प्रॉब्लम दोस्तों ठीक हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है फिर भी दोस्तों आपका TV स्टैंड बाई में है, तो यह दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिस्टल, तो इस क्रिस्टल को दोस्तों आप नया लगा दीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। यह क्रिस्टल दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है। क्रिस्टल का पिन अगर ओपन हो जाए या यह खराब हो जाए तो दोस्तों आपका TV स्टार्ट नहीं होगा, तो दोस्तों इसको आप लगा लीजिए। अगर इसको लगाने के बाद भी दोस्तों हर चीज़ ठीक है फिर भी आपका TV स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो दोस्तों लास्ट में आप मेमोरी IC को बदल दीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेमोरी IC बदलने के बाद भी प्रॉब्लम दोस्तों ठीक नहीं हो रहा है तो लास्ट में दोस्तों आपको इस IC को चेंज करना होगा, सिस्टम IC को नया लगा दीजिए, और आपका दोस्तों 100% प्रॉब्लम दोस्तों ठीक हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे, तो ये देखिए दोस्तों आगे आपका यहाँ पर 14 नंबर IC के 14 नंबर और 15 नंबर पिन से दोस्तों भटकल सिग्नल आउट होता है। तो यह भटकल सिग्नल जब आउट होगा और यह सिग्नल जब आउट होकर और भटकल सेक्शन को जाएगा तब दोस्तों हमारा भटकल सेक्शन काम करेगा, तो हमारा पिक्चर ऊपर से नीचे की ओर फैलेगा। अगर यहाँ से दोस्तों यह सप्लाई न निकले, सिग्नल न जाए, तो भटकल सेक्शन हमारा काम नहीं करेगा। तो दोस्तों भटकल सेक्शन में LA 78 141 नंबर का IC लगा हुआ रहता है।
तो ये दोस्तों 14 नंबर पिन से जो 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 सिग्नल आउट होता है यह आईसी वर्टिकल सेक्शन आईसी के 1 नंबर पिन पर सप्लाई जाता है, और दोस्तों 15 नंबर से जो आउट होता है यह आईसी के 7 नंबर पिन से सप्लाई दोस्तों 7 नंबर पिन पर सप्लाई दोस्तों जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 62 किलो का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए 3.3 के, और यहाँ पर अर्थ है, फिर नीचे भी दोस्तों 3 के रेजिस्टेंस से अर्थ है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आईसी का हम एक महत्वपूर्ण फॉल्ट के विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 48 नंबर पिन आईसी के एवीएल सप्लाई है दोस्तों, और यह एवीएल सप्लाई दोस्तों ईएसडी से कनेक्टेड होता है और पावर सप्लाई रेगुलेटेड सर्किट से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 41-48 जेनर डायोड लगे हैं, 1 किलो का रेजिस्टेंस है, फिर 1.2 के रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो दोस्तों यह ईएसडी से कनेक्टेड होता है, और दोस्तों यहाँ पर 3 से 5 वोल्ट की सप्लाई आपको बताएगा। और दोस्तों जब इस पर इसमें जब प्रॉब्लम आएगा, एवीएल में प्रॉब्लम आएगा, तो दोस्तों आप देखे होंगे कि टीवी में हम ये भी पिन लगाते हैं तीनों सॉकेट, तो तीनों सॉकेट लगाने के बाद भी दोस्तों हमारा टीवी की स्क्रीन पर पिक्चर और साउंड नहीं आते हैं। एवीएल में जो खराबी रहेगा तो टीवी आपका स्टार्ट होगा, टीवी पर लाइट भी आएगा, लेकिन जब एवी कोड लगाइएगा तो पिक्चर और लाइट नहीं आएगा। तो एवीएल में जब खराबी था तो इस किस्म का फॉल्ट हम दोस्तों बनाए हैं। तो आपका उस अगर उसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन पर दोस्तों उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वह वीडियो देख लीजिए कि एवीएल में जब खराबी आया था तो हम कैसे दोस्तों उसको बनाए थे और कैसे ठीक किए थे, ठीक है। तो एवीएल के लिए दोस्तों यही आता है, ढेर लोग आईसी बदल देते हैं, कहीं अलग चेंजिंग कर देते हैं, बहुत जगह ढूंढते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो एवीएल अगर एलजी का आप बोर्ड बना रहे हैं तो एलजी का बोर्ड में एवीएल में जब फॉल्ट आता है तो पकड़ा जाता है। वह कैसे कि जब टीवी आप स्टार्ट कीजिएगा, जब पहले सबसे पहले आप टीवी का ए भी पिन निकाल दीजिए और टीवी को स्टार्ट कर दीजिए, टीवी आपका स्टार्ट हो जाएगा, टीवी के स्क्रीन पे ए भी लिखा हुआ आएगा, और जब ए भी पिन लगाइएगा या डीटीएच का ए भी पिन लगाइएगा तीनों कोड, तो ये भी लिखा हुआ टीवी की स्क्रीन से हट जाएगा, पिक्चर और साउंड नहीं आएगा। तो आप दोस्तों डायरेक्ट एवीएल को चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, यह प्रॉब्लम दोस्तों एवीएल से ही आता है। तो दोस्तों ये तो हमने बता दिया, लेकिन आपका मान लीजिए कि टीवी स्टैंड बाई में है तो आप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले आईसी पर 5 वोल्ट की सप्लाई चेक कीजिए कि हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है कि नहीं, और जब यहाँ पर सप्लाई आ रहा है फिर भी टीवी स्टैंड बाई में है तो टीवी के 22 नंबर पिन पर 5 वोल्ट सप्लाई आउट कीजिए, चेक कीजिए। यहाँ भी दोस्तों आपका प्रॉब्लम आ सकता है तो टीवी स्टैंड बाई में चला जाएगा। अगर यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी सप्लाई आ रहा है तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल आउटपुट से जो सिग्नल आउट होते हैं यहाँ पर तकरीबन 52 वोल्ट और 1 वोल्ट, यह सप्लाई दोस्तों आप चेक कीजिए। अगर यहाँ पर दोस्तों आपका सप्लाई आएगा 54 नंबर और 22 नंबर पर, तो आपका दोस्तों प्रॉब्लम हॉरिजॉन्टल ऑसिलेटर और हॉरिजॉन्टल आउटपुट सेक्शन में आएगा, तो आप वहां से जाकर दोस्तों उसको चेक करके बना लीजिए, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप इस आईसी के विषय में अच्छी तरह समझ गए हैं। और दोस्तों यह देखिए आईसी का 38 नंबर पिन, यह म्यूट है, यह म्यूट आवाज़ को बंद करने का काम करता है, और म्यूट में भी जब प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो जब टीवी आप स्टार्ट कीजिएगा तो 10 सेकेंड या 5 सेकेंड या 20 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए दोस्तों आपका आवाज़ आएगा, और उसके बाद दोस्तों आवाज़ आपका अपने आप दोस्तों ख़त्म हो जाएगा। तो उस स्थिति में दोस्तों आप म्यूट से रिलेटेड सर्किट को चेक कीजिए, आपका प्रॉब्लम सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप हम आईसी के विषय में जो डिटेल रूप से बताए थे वह आप पूर्ण रूप से समझ गए हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और हर प्रकार से ठीक लगा है तो दोस्तों आप एक कमेंट कीजिए कि इस वीडियो से आप क्या सीखें और कितना समझें, और दोस्तों वीडियो को बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच कर एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों इस आईसी के चालू बोर्ड के जरिए हम एक डिटेल रूप से उस पर भी दोस्तों बताए थे, अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो ऊपर में आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर वहां से वह वीडियो देख लीजिए। दोस्तों कलर टीवी के चालू बोर्ड के जरिए बताए थे अच्छी तरह स्टैंड बाई में कैसे होता है, और इस आईसी के फॉल्ट के विषय में डिटेल रूप से हम बताए थे, और पिन भी वोल्टेज भी चेक करके स्थिर से दिखाए थे,
ठीक है। तो वह वीडियो आप जाके देख लीजिए दोस्तों, और अच्छी तरह डिटेल रूप से आप समझ लीजिए। यह दोस्तों हम सर्किट के जरिए सर्किट बना के समझा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों इस आईसी से रिलेटेड कुछ फॉल्ट का वीडियो आपको इंड स्क्रीन पे मिलेगा, आप जाकर वहां से वह वीडियो देख लीजिए, और अच्छी तरह दोस्तों आप वह वीडियो देखकर और इसका फॉल्ट के विषय में अच्छी तरह डिटेल रूप से आप समझ लीजिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एल 78-0-141 आईसी भटकल सेक्शन के विषय में, और दोस्तों इसका जो वीडियो सेक्शन जो आता है दोस्तों उसके विषय में दोस्तों आपको डिटेल रूप से बताएंगे। और दोस्तों अब आप इस बोर्ड का एक सर्किट डायग्राम किताब में भी देख लीजिए, वह भी है हमारे पास दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यही इसका सर्किट बोर्ड है और इसी के जरिए हम बनाए थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यह आईसी लगा हुआ है 11,105, और यही दोस्तों डिटेल है। चलिए आपको अच्छी तरह दिखाते हैं, देखिए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह जो है दोस्तों वीडियो का सर्किट है, वीडियो सेक्शन का सर्किट है, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छी तरह समझ गए हैं। और इस साइड दोस्तों पीसीबी पर सर्किट बना हुआ है, सर्किट का डायग्राम बोर्ड बना हुआ है। यह देखिए यहाँ पर यह आईसी है, सिस्टम आईसी, आपको दिखाते हैं नज़दीक से, देखिए, ठीक है। यह हमारा ईएसटी है, यह हमारा ईएसटी देखें दोस्तों। और आगे दोस्तों यहाँ पर यह भटकल सेक्शन का सर्किट बोर्ड बना हुआ है, यह हमारा भटकल सेक्शन का आईसी का सर्किट डायग्राम का बोर्ड है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।